नगर निगम में शामिल रानीबाग, बड़कू तथा पथरा के न्यू कॉलोनी में जल जमाव से परेशान नागरिकों ने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जल भराव की समस्या को सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई ठोस प्रबंध नहीं किया गया, जिसके कारण पूरे कॉलोनी के लोग गंदे पानी के जल जमाव से तमाम प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले नगर आयुक्त द्वारा पंप सेट लगाया गया था, जिससे कुछ दिनों तक कॉलोनी वासियों को राहत मिली थी, लेकिन एक दिन के बारिश के बाद जल जमाव पुरानी स्थिति में पहुंच गया, जिसका निदान होना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक राघव पांडे ने कहा, राघव पांडे ज्ञापन आज हम लोग दो चीज़ों का दे रहे हैं। एक तो मुख्य जो नाला है वहाँ आज़ाद चौक से जो रोड जा रही है उसके बगल में नहर की ज़मीनें हैं 60 कड़ी का, और उस पर मुख्य नाला बनना है। एक तो उसके लिए कार्ययोजना के लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि 2 साल से वो कार्ययोजना नहीं बन पाई, लेकिन आज जो मेन ज्वलंत समस्या हमारी है कि पूरी कॉलोनी पूरे मोहल्ले के लोग पानी में डूबे हुए हैं, इसको नाला बना के तत्काल नहीं समस्या का समाधान किया जा सकता। यह कार्ययोजना में जाएगा, धन आएगा, तब यह काम होगा। आज हम इसके लिए आए हैं कि कोई प्रशासनिक अफसर यहाँ से चल करके और JCB ले करके वहाँ 10 कड़ी का बगल में चकनाली है रोड के बगल में, उसको कुछ लोग 2-4 लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और JCB लेकर के और अपने हल्का लेखपाल को बुला करके और उस नाली को ही अगर साफ करा दिया जाए तो पानी सारे रामगढ़ ताल में निकल जाएंगे और लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन यह काम प्रशासन ही कर पाएगा, न कि कोई आम आदमी कर सकता है। मांगे नहीं पूरी होंगी तो इसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे, यहीं धरना देंगे।